सो इंडस टावर एक रेंज के अंदर घूम रहा है ये स्टॉक्स और पिछले कुछ दिनों की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक के अंदर काफ़ी ज़्यादा पिटाई हो गई है 205 के आसपास से ये स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा था और अभी 137 के आसपास उसने दो बार रिट्रेस्ट किया है और वहाँ से ही थोड़ा बाउंस हमें दिखा रहा है ठीक है बड़ी समय का अगर टाइम फ्रेम अगर मैं देखता हूँ तो ये स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस किया ही नहीं है और मैं देख रहा हूँ कि दो में जब ये स्टॉक्स फाइव हंड्रेड रुपीज़ हुआ करता था तो वहाँ से ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिखा रहा है और अभी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री रुपीज़ है बीच में मैंने आपको एक बार रिकमेंडेशंस भी दिया था उस टाइम पे आपको काफ़ी बढ़िया सा गेन यहाँ पर देखने को मिला हुआ था करीबन सेवनटीन परसेंट का मुँह आता हुआ दिखाई दिया था लेकिन उसके बाद फिर स्टॉक ने मोमेंटम खो दिया और फिर लोअर लेवल दिखाने लगा ठीक है सो तो अभी जिस तरह के चार्ट के स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अभी भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि 175 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक बड़ा रिवर्सल इस स्टॉक के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा और ये भी हमें देखना चाहिए कि ये स्टॉक सभी एक रेंज के अंदर घूम रहा है बड़ी रेंज बताओ तो वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव रुपीज़ से लेकर वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव की रेंज में ही ये स्टॉक घूम रहा है सो तो जब भी ऐसे रेंज में कोई भी स्टॉक घूमता है तो इसमें लर्निंग लेसन ये है कि अगर हमें बाय करना है वो स्टॉक्स तो लोअर 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 जो रेंज बनाया है वो रेंज के आसपास ही हमें बाय करना चाहिए तो यहाँ पर जिस तरह का चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो काफ़ी वॉल्यूम के साथ आज लास्ट आवर में यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो काफ़ी बढ़िया सा मोमेंटम था और काफ़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग और सेलिंग हुआ है राइट आम सामने बाइंग सेलिंग हो गया है ऐसा दिखाई दे रहा है काफ़ी वॉल्यूम के साथ सो तो अभी जिस तरह का चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाई दे रहा है वन हंड्रेड एंड फिफ्टी नाइन रूपीज़ के ऊपर जब तक नहीं निकलता है तब तक नया लॉन्ग फ्रक्स पोजिशन नहीं बनाना है तो अगर यहाँ से स्टॉक्स नीचे नहीं आता है और हायर लेवल से दिखाना स्टार्ट करता है तो वन हंड्रेड एंड फिफ़्टी नाइन के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे तो फिर हमें रुकना नहीं है और फिर ये बाय कर लेना है हमें टावर को ठीक है और यहाँ से ये स्टॉक्स लोअर लेवल दिखाता भी है तो लोअर रेंज के अंदर हमें बाय करना है तो हम बाय कर सकते हैं तो वो रेंज आपको मैं बता रहा हूँ कि वन हंड्रेड एंड फोर्टी एट 148 के आसपास एटलीस्ट वन हंड्रेड एंड फोर्टी एट के आसपास एटलीस्ट पचास वन हंड्रेड एंड फोर्टी एट से वन हंड्रेड एंड फ़ोर के बीच में एटलीस्ट पचास परसेंट क्वान्टिट्टी आप बाय कर लो और बाकी का पचास परसेंट आपको बाय करना है समवेयर अराउंड 140 के आसपास और फिर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो है वन हंड्रेड एंड थर्टी फाइव रुपीज़ का तो इंडस टावर के अंदर एवरी डिक्लाइन इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी जिस तरह से बताया है प्राइस एक्शन देखिएगा लोअर लेवल आता है जो रेंज बताई है वो रेंज के अंदर आता है स्टॉक्स तो जो अलोकेशन के साथ बताया है वो अलोकेशन के साथ काम करना है जरूर से काम कर सकते हो और हायर लेवल भी दिखाना स्टार्ट करता है 159 के ऊपर निकलना स्टार्ट कर दे तो फिर इमिडिएटली आपको बाय कर लेना है और उस टाइम पर अगर क्लोजिंग आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो वो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है आपको वन हंड्रेड का सो so, कोई भी वजह से ये स्टॉक्स हमारी रडार से छूटने वाला नहीं है तो आप लोग नज़र बनाए रखें और जो प्राइज एक्शन मैं बताता हूँ जो लेवल के ऊपर वो प्राइज एक्शन देखिएगा और काम करके एक बार जरूर से देखिएगा दोस्तों